तो देखिए, हमारा 60 नंबर तक हमने क्वेश्चन को अटेंड कर लिया था, अब हमें 61 से अटेंड करना है। तो अभी जीएस वर्ल्ड के आपके 4 से 5 पेपर बचे हुए हैं मैंने देखा, इसके बाद में धेआईएस स्टार्ट होगा, तो तैयारी को बहुत फास्ट रखिए, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, है ना। और टेस्ट सीरीज तो आपके ऊपर है, आपको अटेंड करना है कि नहीं करना है, बट ये है कि रिवाइज करते रहिए, रिवीजन को छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है अरण्यक में, बी सामदेव में, सामवेद में, सी यजुर्वेद में, या डी अथर्ववेद में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आप इसको पहले देख लीजिएगा, इन विच बुक इज द आयुर्वेदा, है ना। तो इसको आप देखिए, तब तक हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेद के महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में उपलब्ध है। ठीक है, आयुर्वेद के महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन जो है, या जीवन का विज्ञान का जो सर्वप्रथम ग्रंथ मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए फैराडे, बी कैंडला, सी डायन, या डी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इधर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप तब तक वीडियो को पॉज करके इसको चेक कीजिएगा। तो हम बात करते हैं, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है वह एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य एक तरंग में दो आसन्न शिखरों या गतों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर जो इसको मापने की इकाई है वो आपकी डी यानी कि एंगस्ट्रॉम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर का प्रयोग, बी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग, सी एम मीटर का प्रयोग, या डी पायरोमीटर। तो चलते आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर विद्युत विभव समझ में नहीं आ रहा होगा, आई थिंक कुछ लोगों को आ भी रहा होगा, ऐसा नहीं है, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसके लिए बेनिफिशियल है वो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी, आप जानते हो, तो आप वीडियो में ही पढ़ लेना, हम आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बहुत बार परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, बट क्या है ना कि आपकी लाइफ तो रुकती नहीं है, आप टाइम को बर्बाद कर लो चाहे एक्सक्यूज़ में निकाल दो। तो थोड़ी थोड़ी सा शोर होता रहता है आसपास मेरे, और लोग भी ऐसे नहीं जिनसे हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ा शांत रहो, तो हमें उसी परिस्थिति में रह के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना होता है, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर थोड़ा सा परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो फिर भी हमें अपनी तैयारी को तो आगे बढ़ते ही रहना, धार देते रहना, है ना, इनकी वजह से हमें रुकना नहीं है। हम बात करते हैं आंसर की। तो किसी विद्युत परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित करने वाले दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं, आपने आई होप क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और आपको आंसर भी पता चल गया होगा, तो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी इकाई अन्य की तुलना में सबसे बड़ी है। ऑप्शन है हेक्टो, बी डेका, सी टेरा, या डी गीगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द लार्जेस्ट एज कंपेयर्ड टू द अदर्स। ऑप्शन ए हेक्टो, डेका, टेरा, गीगा। तो यूनिट्स या बिट्स इस तरीके से हैं, आंसर आई होप आपको पता ही हो गया होगा, जैसे नहीं भी पता चला तो मैं बता देती हूँ। देखो फिलहाल जो आंसर है वो तो आपका टेरा है, लेकिन क्यों है? टेरा एक उपसर्ग है जिसका उपयोग मीट्रिक प्रणाली के साथ किया जाता है। एसआई प्रणाली में 7 आधार इकाइयां हैं, ये है मीटर लंबाई की इकाई, किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई, सेकंड समय की इकाई, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई, केल्विन तापमान की इकाई, मोल पदार्थ की इकाई, और कैंडला चमकदार तीव्रता की इकाई। तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स में 4 पॉइंट बना सकते हैं, तब आगे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर लंबाई की इकाई पूछ लेता है, समय की इकाई तो पता ही है सेकेंड, केल्विन की पूछ लेता है तो हम कई बार भूल जाते हैं, ह्यूमन बींग है, भूलना हमारा नेचुरल है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो अगर नोट डाउन आप कर लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी आपकी जो भी इच्छा हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है वाट मीटर, बी आर्द्रता मापी, सी एम मीटर, या डी वाट मीटर। आई थिंक ये वाट मीटर दो बार आया, ये तो ये वाट मीटर होगा, देख लेते हैं। लेकिन हम ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़ लीजिए। तो विद्युत धारा इकाई का समय
विद्युत धारा आई इकाई का समय टी में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश क्यू की मात्रा, वहां पर उन्होंने थोड़ा सा दे दिया है तो आप उसको देख लीजिएगा, सी हो जाएगा एमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है, एमीटर। आगे आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं अभी फाइनल पीडीएफ भेज दूंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कूलम्ब प्रति सेकंड किसके बराबर है? ऑप्शन है ओम, बी एम्पियर, सी वोल्ट एंड डी जूल। ये सारे जो फैक्ट जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, ये जो बातें हैं हम ट्वेल्थ में काफ़ी पढ़ते हैं, बट ये है कि अब याद नहीं रहता है। ट्वेल्थ हमारा पहले हो जाता है, 3 से 4 साल हमें जर्नी में लग जाते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, है ना। तो देखिए, बट आई होप कि कई लोगों को याद होगा, जिसे नहीं भी याद है तो कूलम्ब प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर है। ठीक है, कूलम्ब प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर है, तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पारसेक किसकी एक इकाई है? ऑप्शन है त्वरण, बी समय, सी दूरी लंबाई एंड डी गति। यह आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा, तब तक हम आंसर की बात करते हैं। तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है, और खगोलीय दूरी से हमारा तात्पर्य है अंतरिक्ष में जो दूरियां मापी जाती हैं उनके लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी फैक्ट है आप जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी लंबाई दिया है, बट अगर यहीं पर खगोलीय दूरी लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा था, समझने में आसानी रहती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? ऑप्शन है मीटर, बी मोल, सी केल्विन या डी कैंडेला। ये आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस? ऑप्शन है मीटर, बी प्राइस, सी केल्विन या डी कैंडेला। हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोल एक एसआई इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। मोल यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है, मोल मतलब प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेवर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन है वोल्ट, बी कूलम, सी ओम या डी एम्पियर। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम आंसर की बात करते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित करने वाले दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के रूप में होता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, उसको पढ़ने के बाद आपको आंसर पता चलेगा। तो आप और भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा। जैसे वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर को हमेशा उन बिंदुओं पर समानांतर में जोड़ा जाता है जिनके बीच संभावित अंतर को मापा जाना चाहिए। फिलहाल जो आपका आंसर वेवर प्रति सेकंड का वो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो, साइंस ना हमारे डेली लाइफ से भी काफ़ी कनेक्ट करती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलेंगे, जो आपको पता चलेगा कि हाँ साइंस कहाँ कहाँ हमारे जीवन में हमें प्रभावित करती है या प्रभाव डालती है ना। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी ऑब्लिक लाल हो जाता है, तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित होने पर नीला या हरा हो जाता है? ऑप्शन ए अनार, बी लाल पत्ता गोभी, सी मूली या डी लाल फूल गोभी। मे बी कुछ चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आई होंगी, और हमेशा हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि विच वेजिटेबल कंटेन्स केमिकल कॉल्ड एंथोसाइनिन, है ना, विच टर्न्स पिंक ऑब्लिक रेड इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड टर्न्स पर्पल वेन न्यूट्रल एंड टर्न्स ब्लू और ग्रीन वेन मिक्स्ड विथ एल्कलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, आई होप क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है ये कह रहे हैं, है ना, कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आंसर आपका लाल गोभी में एंथोसाइनिन नामक एक रसायन होता है जो एसिड की उपस्थिति में गुलाबी ऑब्लिक लाल हो जाता है, यानी गुलाबी और लाल दोनों हो जाता है तटस्थ होने पर, है ना, हाँ तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित होने पर नीला हो जाता है, नीला या हरा हो जाता है। तो काफ़ी बदलाव है उसके अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाल फूल गोभी। और चीज़ों को आप ना पीडीएफ में पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, मेरी वीडियो लेट भी हो गई है एंड मैंने PDF भी नहीं डाल पाई थी, तो आप लोग भी बहुत केयर करें अपनी और अपने हेल्थ को ध्यान में रखें। जब काफ़ी फॉर्म में होते हैं तैयारी के दौरान, तो हम कई बार हेल्थ इश्यूज इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे मुझे वायरल फीवर हुआ, बहुत तेज़ी का हुआ, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं 2 या 3 दिन आई थिंक ठीक हुई हूँ, अभी ठीक पूरी तरीके से नहीं हूँ, बट फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने PDF भी नहीं भेजा। तो क्वेश्चन कोई भी अटेंड करेगा तो उसे बिना PDF के समझ में नहीं आएगा, तो मैं चाह नहीं रही थी, तो उसके लिए सॉरी। कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी में, कितनी भी रुकावट आए कोशिश करेंगे कि वो रुकावटें ऐसी हों कि हमारे एफर्ट से सॉल्व हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूरिएटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में किया जाता है। ऑप्शन ए परक्लोरिक तेजाब, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लें, हिंदी मैंने बता ही दिया है। हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो म्यूरिएटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र HCl है। सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करके हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। तो जो ऑप्शन है आपका वो सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, और चीज़ों को आप अच्छे से PDF से कंफर्म कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहुत कम घनत्व वाली नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संक्षारित हो जाती है। ऑप्शन है पोटेशियम, बी सोडियम, सी लिथियम या डी रूबीडियम। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप इसको तब तक देख लें। लिथियम धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है। ठीक है, पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संक्षारित हो जाती है। तो यहाँ पर जो सी है ऑप्शन आपका लिथियम, लिथियम धातु यही आपका ऑप्शन है। आगे चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा PDF से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, ऑप्शन है लकड़ी, बी वायु, सी रेत, सॉरी थर्ड रेत या फोर्थ पानी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पूछ रहे हैं कूट की सहायता से कि केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, सी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है या डी केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, है ना। ऑप्शन ए वुड, एयर, सैंड, वाटर। मिक्सचर के बारे में पूछा है, तो देखिए लकड़ी, हवा और रेत मिश्रण है और पानी एक यौगिक है। ठीक है, तो और चीज़ों को मैं बताऊंगी तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, तो मिक्सचर आपका हो गया लकड़ी, वायु, रेत, पानी आपका एक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है शुद्ध इथेनॉल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल या डी रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस इन सेल्फ स्टार्टिंग इंजन्स, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, हम बात कर लेते हैं आंसर के लिए। तो एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीजल की गुणवत्ता किस अंक से व्यक्त की जाती है। ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या, बी सीटेन संख्या, सी ब्यूटेन संख्या या डी अवगाद्रो संख्या। हम इसका दूसरा वर्जन देख लेते हैं पहले, तो सॉरी वर्जन नहीं ट्रांसलेशन, है ना। क्वेश्चन है कि द क्वालिटी ऑफ डीजल्स इज एक्सप्रेस्ड बाई विच नंबर। ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर, बी सीट नंबर, सी ब्यूटेन नंबर या डी नंबर ऑफ अवोगाड्रो। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया। आंसर है कि डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें दे दिया, डीजल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम को काला सोना और पारंपरिक तेल या हल्के तेल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल दोनों की संख्या बता दी है, तो PDF को पढ़ने से यही फायदा रहता है ना। तो बी ऑप्शन जो हमारा है वो इसका आंसर हो गया, बट वहाँ पर दो तीन चीज़ें और अच्छे से बताई हैं। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है
कि स्कैंडियन रिदम शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार की गति, बी दिल की धड़कन, सी बॉडी क्लॉक या डी पेंडुलम की गति। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम करते हैं आंसर की बात। तो स्कैंडियन रिदम बॉडी क्लॉक से जुड़ा है, और वैसे तो स्कैंडियन भी होती है एक चीज़, पर यहाँ इन्होंने स्कैंडियम बोला है। तो ये लय, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, तो 76 का आपका जो है वो बॉडी क्लॉक हो जाएगा। आंसर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शाकाहारी भोजन श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं? ऑप्शन है तीसरा, बी दूसरा, सी पहला या डी चौथी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लें। हम तब तक आंसर की बात करते हैं। शाकाहारी जीव खास श्रृंखला में दूसरा पोषी स्तर बनाते हैं। वे जीव जो अपने भोजन और ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यानी कि दूसरा है ना, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे यकृत में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। ठीक है, क्वेश्चन है, आपने हिंदी देख ही लिया, इंग्लिश आप पढ़ लें। तो हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको यकृत में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि विटामिन्स और कुछ कैल्शियम वगैरह हैं जो नहीं रुकते हैं, मतलब बॉडी में एकत्र नहीं रहते हैं। विटामिन B12 एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जो लीवर में कई वर्षों तक संग्रहित रह सकता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिका निर्माण, तंत्रिकाकार कोशिका चयापचय और DNA के उत्पादन में एक आवश्यक भूमिका निभाता है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विटामिन B12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? ऑप्शन ए गंधक, बी मैग्नीशियम, सी सेलेनियम या डी फास्फोरस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो आंसर पूछ रहे हैं, तो सेलेनियम जो है मानव शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज है। वह रासायनिक तत्व जिसकी सांद्रता बहुत कम होती है सूक्ष्म तत्व कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी चीज़ें आप PDF में देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में विकास के चरणों को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए बाल, बी दांत, सी नाक या डी नाखून। है ना, क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के किस भाग में विकास के चरणों को ये तीन कैटेगरी में कहा गया या विभाजित किया गया है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, हम आंसर की बात करते हैं। देखो, जो ये तीनों चीज़ें बताए गए हैं ना कि एनाजेन, कैटाजेन और एक्सोजेन, तो ये बालों के बढ़ने के क्रम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीनॉयड, सी एंथोसाइनिन या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन समझ लिया, हम आंसर की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, एंथोसाइनिन वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है ना। एंथोसाइनिन लाल, बैंगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर आपने समझ लिया, क्वेश्चन पहले समझ लिया फिर आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर मकड़ी के जाले निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए रेशम, बी बाल, सी ऊन या डी छाल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कह रहे हैं कि प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है ना, नेचुरल फाइबर, मकड़ी के जाले निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अ नेचुरल फाइबर स्पाइडर वेब मेड ऑफ प्रोटीन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये ऑप्शन है। तो देखिए, मकड़ी के जाले रेशम से बने होते हैं जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है ना, और मकड़ी का जाला जिसे मकड़ी का जाला कहा जाता है मकड़ी द्वारा बनाई गई एक संरचना है। और चीज़ों को आप PDF से पढ़ लेना, बट जो ये जाला बना होता है वो रेशम से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेजन का एक प्रकार है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन,
सी विटामिन, ये डी वसा। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, आप तब तक देखें। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह शरीर की हड्डियों, त्वचा, उपस्थि और संयोजी ऊतक की संरचना और कार्य में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, एक प्रकार का प्रोटीन है कोलेजन, है ना, पूछा है ना, अ टाइप ऑफ कोलेजन इज, तो प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर और नीचे की वृद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रसायनानुवर्तन, बी प्रकाशानुवर्तन, सी गुरुत्वानुवर्तन, ये डी उपयुक्त सभी। देखिए रसायनानुवर्तन नहीं समझ में आ रहा होगा, केमिकल कन्वर्जन, फोटो प्यूरिफिकेशन, ग्रेविटेशनल या ऑल ऑफ दी एबव, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रोफिज्म कहा जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार के प्रतिरक्षा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सक्रिय, बी निष्क्रिय, सी मजबूत या डी अधिग्रहित। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। देखिए जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सक्रिय यानी कि एक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला भारतीय संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन 1947, बी 1937, सी 1927 या डी 1970। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम आंसर की बात कर लेते हैं। 8 मई 1917 को अडयार मद्रास में महिलाओं के एक बहुजाति समूह ने महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना की। WIA उन पहले संगठनों में से था जिसने साहस पूर्वक भारतीय महिलाओं की सामाजिक और यौन पराधीनता को, मतलब गरीबी, राजनीतिक वंचितता से जोड़ा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा आपका आंसर 1917 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे से संबंधित मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सर तेज बहादुर सप्रू, सी भुल्ला भाई देसाई या डी राजगोपालाचारी। देखो राष्ट्रीय नेता राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं, ने 1945 के मुकदमे से संबंधित मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, बी राजा राम मोहन राय, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है, और सी जे हिक्की या डी लॉर्ड विलियम बेंटी। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस की टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री और करंट अफेयर के भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो बंगाल गजट जो अखबार था वो जे हिक्की 1780 में जे हिक्की द्वारा शुरू किया गया था, जो पहला अंग्रेजी अखबार समाचार पत्र था। ठीक है, हिक्कीज बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। आई होप क्वेश्चन आपने समझ लिया और आंसर भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषदों का विस्तार, बी प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, सी प्रांतों में द्वैध शासन या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा, आंसर की बात कर लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय परिषदों का विस्तार, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान और प्रांतों में द्वैध शासन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपने समझ लिया, आंसर भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को निम्नलिखित में से
किसकी गतिविधियों से सर्वाधिक बढ़ावा मिला? यहाँ पर दो बार प्रिंट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां, बी लियाकत हुसैन, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या डी सैयद अहमद खान। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो सैयद अहमद खान की गतिविधियों से मुस्लिम सांप्रदायिकता को सर्वाधिक बढ़ावा मिला था। इनकी कुछ और भी अहम बातें हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके प्रयासों से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई जिसमें शामिल नेताओं ने मुसलमानों को मजहबी शिक्षा से शिक्षित करने का काम किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका है, सर सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर के बारे में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव में इसे अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए, दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव को अपनाए जाने के कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है, अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। इसके विपरीत निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जा सकता है। डी ऑप्शन, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होगा, दूसरी ओर निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर है, निंदा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है कूट एक ए 1, 3 और 4, बी ऑप्शन है सेकंड 3 और 4, सी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़िएगा। उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शन दिए गए हैं जितने भी मैंने बताए हैं, इसके बाद में आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नोआखली स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी बांग्लादेश, सी त्रिपुरा, डी बिहार। देखिए, ये वह जगह है जो बहुत फेमस है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूँ, नोआखली दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में एक जिला है। जब बांग्लादेश नहीं बना था उसके पहले वो भारत में ही मिला हुआ था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया, जिसके कारण दंगे भड़क उठे थे। ठीक है, ठीक है, तो आपका हो गया बांग्लादेश। ये पहले बांग्लादेश में एक जगह है, एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है बारडोनिस, बी कप्तान स्वर्ग, सी डुप्लेक्स, या डी काउंट डी लाली। ठीक है, ट्रांसलेशन इंग्लिश का है, आप देख लीजिए। देखिए, जनरल जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1744 से 1848 ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था। तो और चीज़ों को आप जब इससे पढ़ोगे तो और चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा की नई व्यवस्था, बी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सी अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का शोषण, या डी भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। तो वो कह रहे हैं कि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था तो उनमें ऐसा कौन सा कारण है जो इन चार ऑप्शन में से नहीं है। ठीक है, देखिए, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, क्वेश्चन की ट्रांसलेशन अपना, और 1857 या 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून शामिल नहीं थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया? ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, या डी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो, उन्होंने कई सारे चीज़ों को मिक्स कर दिया इधर क्वेश्चन में, अच्छा भी है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ,
1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, है ना। वैसे भी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा किया गया था, ठीक है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, बी विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, सी एक लिखित संविधान, या डी कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। फिफ्थ नंबर है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, है ना, लिखित संविधान, कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ठीक है। कूट हैं आपके ए सेकेंड थर्ड और फोर, बी फर्स्ट सेकेंड और फोर, सी सेकेंड फोर और फाइव, या डी फर्स्ट सेकेंड फोर और फाइव। हमें आंसर देना है यहाँ पर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आया था कि एक भारतीय राज्य में क्या शामिल होना चाहिए, पीवाईक्यू में अगर आपने देखा होगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से क्या आंसर होगा ये हमें पहले देखना है और समझ के फिर बताना है, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, क्यों, सेकेंड ऑप्शन को देखिए, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है। फोर क्या कह रहा है कि कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, ठीक है। इसके बाद में फाइव ऑप्शन क्या है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, बी शाह आयोग, सी भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, या डी संथानम समिति, ठीक है। आंसर सबको आ ही गया होगा, काफी इजी है, बट जो नए लोग हैं तो उन्हें नहीं इतनी जल्दी आएगा। तो 1976 में स्थापित स्वर्ण सिंह समिति वह समिति है जिसे मौलिक कर्तव्य के संबंध में सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट, या डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को विनियमित करते हुए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, और इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो आपका बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से शामिल है। ऑप्शन ए संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, बी संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के निर्वाचित सदस्य लेकिन द्विसदनीय विधायिका के मामले में निर्वाचित और नामांकित नहीं, या डी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। काफी कंफ्यूज हो गए होंगे ये ऑप्शन सुन के, बट थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले समझिएगा फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेजियम कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि मतलब जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज करता है, मनोनीत और निर्वाचित के मामले में बहुत कन्फ्यूज करता है, ठीक है। तो देखो संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, मतलब ये आम चुनाव के तरीके नहीं है जो हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और बी सभी राज्यों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लेकिन यहां पर संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, इन्होंने एक यहां पर मिस्टेक की है,
सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित विधानसभा को निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये इन्होंने इसमें नहीं बताया, तो ये आप PDF से देख लेना, ठीक है? सिंपल है, पर फिर भी जब नया व्यक्ति कोई पढ़ता है तो नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो आप PDF से इसको जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की नेतृत्व नहीं करते हैं? ऑप्शन है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, बी आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, सी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, या डी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर किस समिति को मतलब वो उसकी अध्यक्षता नहीं करते, इस तरीके समझ लें। तो आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री द्वारा जी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, बी सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, सी लोक लेखा समिति, या डी प्रत्यायोजित विधान पर समिति। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है कि द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इज एसेंशियली अ नंबर ऑफ सॉरी अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो हम आंसर की बात कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, है ना? तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, बी शून्यकाल, सी आधे घंटे की चर्चा, या डी अल्पावधि चर्चा। ठीक है, तो कौन सा संसद सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ना? ये रहा हमारा क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन का। हम आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, संसद सदस्यों के लिए शून्यकाल उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है, है ना? शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा भी कुछ चीजें अच्छी सी दी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप PDF से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से निचले सदन की एक समिति है? ऑप्शन ए आश्वासनों पर समिति, बी प्रत्यायोजित विधान पर समिति, सी सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, या डी प्राक्कलन समिति। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिटी ऑफ द लोअर हाउस हाउस इन पार्टिकुलर। ठीक है, ये उनके नाम दिए गए हैं। हम आंसर की बात करते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा यानी कि निचले सदन से हैं, राज्यसभा उच्च सदन से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ओके, एस्टिमेट कमिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त संस्था बनाई थी? ऑप्शन ए ओडिशा, बी बिहार, सी पंजाब, या डी महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड लोकायुक्त फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस तरीके से बहुत से राज्य हैं। ठीक है, मगर फर्स्ट राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए फर्नांडो अलोंसो, बी मैक्स वेस्टैपेन, सी स्टेबन ओकन, या डी कार्लोस सेंज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं। हम बात कर लेते हैं आंसर की। रेड बुल के मैक्स वेस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तब तक हम बात करते हैं आंसर की। तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है ना? तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मई 2023 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने निम्नलिखित में से किसे फिनलैंड में प्रशिक्षण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट, बी नीरज चोपड़ा, सी बजरंग पुनिया, या डी सुशील कुमार, है ना? ये क्वेश्चन है हमारा। हम आंसर की बात करते हैं। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने 25 मई 2023 को ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को फिनलैंड में प्रशिक्षण लेने की मंजूरी दी है ना?
तो नीरज चोपड़ा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कि मई 2023 में भारत को निम्नलिखित में से किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली। ऑप्शन है भूटान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी श्रीलंका। ठीक है, देखो नेपाल सरकार ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इम्पोर्टेंट है और आपका करंट भी इस तरीके से तैयार होता जा रहा है ना। आगे चलते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। बी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की 75वीं वर्षगांठ है। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम शांति मेरे साथ शुरू होती है ये है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो जो डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया NVS फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, बी यह अंतरिक्ष यान नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक है ना श्रृंखला का भाग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है NVS के बारे में, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया और ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आंसर की बात करें तो सी यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कि मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। ऑप्शन ए PV सिंधु, बी वेग हो ग्यांग, सी HS प्रणय या डी P साई राज रेड्डी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, उसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। भारत के स्टार सटलर HS प्रणय ने मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए मलेशिया मास्टर्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा HS प्रणय। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2023 में अल्कोहल उत्पादों की व्यापक स्वास्थ्य लेबलिंग आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी यूनाइटेड किंगडम या डी आयरलैंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहा। हम आंसर की बात करें आयरलैंड यूरोपीय संघ में अल्कोहल उत्पादों पर व्यापक स्वास्थ्य लेबलिंग लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है कि मई 2023 में द्वितीय G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। ऑप्शन है देहरादून, बी हरिद्वार, सी शिमला या डी ऋषिकेश। ठीक है, G20 की काफ़ी सारी बैठकें हो रही हैं और कई कई चीज़ों में हो रही हैं। करप्शन की अलग हो रही हैं, स्वास्थ्य की अलग हो रही है, भ्रष्टाचार की अलग हो रही है, तो उनकी उनके जो स्थान है वो जरूर याद रखना। ठीक है, तो केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 से 27 मई 2023 तक आयोजित G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो दूसरी बैठक है वो ऋषिकेश टिहरी में संपन्न हुई है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने विजेताओं का चयन किया गया। ऑप्शन है 30 विजेता, बी 37 विजेता, सी 41 विजेता या डी 45 विजेता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम आंसर की बात करते हैं तो देखिए जो इन्होंने पूछा है यहाँ पर तो चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए जो संयुक्त विजेताओं सहित 41 विजेताओं का चयन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 नामक अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी सीमा, बी दक्षिण पूर्वी सीमा, सी पश्चिमोत्तर सीमा या डी दक्षिण पश्चिम सीमा। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि दी एक्सरसाइज नेम्ड सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 है ना वाज कंडक्टेड एट विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेस। ये आपके ऑप्शन है तो भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिम सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्थ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर इन्होंने असत्य पूछा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन है इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की, बी इसे ग्राम पंचायत स्तर पर
डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। डी, इसे वाराणसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं वो बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं, अब हमें आंसर को बताना है। तो समर्थ अभियान की शुरुआत लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया था, ना कि वाराणसी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाता है कि जो गलत है यानी असत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है कि मई 2023 में समर्थ अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो ये भी आपकी गिरिराज मंत्री जी के द्वारा ही की गई है ना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर समर्थ अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित सिंगोल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया था। सेकेंड, इसे अतीत में तमिल साम्राज्यों में शासन का प्रतीक था। डी, पूर्व में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड। बी, केवल सेकेंड और थर्ड। सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। या डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको आप पहले वीडियो पॉज करके देखें फिर इसके बाद इसका आंसर दें, है ना। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आपका सही है वो सेकेंड और थर्ड यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप पीडीएफ से पढ़ लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं वो बताना पहले। तो ऑप्शन ए, इसका निर्माण नई दिल्ली के सेंट्रल विजिटर क्षेत्र में किया गया है। बी, इसमें कुल 1275 सांसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सी, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। या डी, लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के निकट सिंगोल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सही नहीं वो हमें बताना है। देखिए, तो जो बी ऑप्शन है, इट हैज़ अ सिटिंग अरेंजमेंट फॉर अ टोटल ऑफ 1275 या 1275 कह लो MPs। ठीक है, तो 1275 हाँ 1272 है, ना कि 1275। ठीक है, तो बस यही ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य है यानी कि सत्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किस तिथि को किया। ऑप्शन है 24 मई 2023, बी 26 मई 2023, सी 28 मई 2023, या डी 29 मई 2023। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो जितने भी पार्लियामेंट से संबंधित नए करंट के क्वेश्चन थे वो सारे सारे आपके इसमें दे दिए गए। बहुत अच्छा है कि आपका सारा का सारा जो नए क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उसमें से दे दिया है ना। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया है ना। यह नई दिल्ली के सेंट्रल विजिटर क्षेत्र में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है यानी कि 28 मई। और भी चीज़ें अच्छी हैं वो आप फैक्ट PDF में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 28 मई आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ऑप्शन ए तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, या डी सातवीं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ को का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया था। तो इसी ऑप्शन आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 1 मार्च 2002 से 28 मई 2007, बी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, या सी 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2007, या डी 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2007 ईस्वी तक। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्वेश्चन। हम बात करते हैं आंसर की। भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 ईस्वी तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, जो बी ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी प्रथम, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना
तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, तो डी हाँ। इसके अलावा जबकि सलेम या सुलेम, विजयनगर और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इन्होंने यहाँ पर डी दिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए चक्रीय, बी संरचनात्मक, सी ऐच्छिक, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं आंसर कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु तो किस सूचकांक को आधार माना गया? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, बी शेयर सूचकांक, सी कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझने में आसानी हो इसलिए मैं इनके क्वेश्चन भी दिखाती जाती हूँ। ट्रांसलेशन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा, या डी यूनाइटेड किंगडम। है ना, ये आप क्वेश्चन को पहले समझ लें। तो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, और इस पर जो आधिकारिक वो है वो डेनमार्क का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक कहाँ है? ऑप्शन है जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, या डी यूक्रेन। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक माउंट एल्ब्रूस रूस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।